पीएम मोदी के प्रस्तावित प्रदेश दौरे से पूर्व सरकारी कर्मचारियों की इसमें जो पीहा पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले ही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का समाधान सरकार निकालना चाहती है। इस संबंध में गुरुवार को भी दिनभर 5 मंत्रियों की कमेटी और हड़ताली कर्मचारी संगठनों के बीच वार्ताओं का दौर चला, जिसमें रात भर 2 बजे तक मंत्री यूनुस खान और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद सीएम राजे से भी बातचीत की गई और कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर मसौदा तैयार किया गया। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के मसौदे पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी सहमत हो पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने यह स्पष्ट किया है कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की जायज मांगों पर बात करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि जायज नहीं है। ऐसी मांगों को हड़ताल के दबाव में पूरा किया जाना संभव नहीं है। लेकिन हड़ताली कर्मचारियों से बिल्कुल सही है, रात 1 बजे तक वार्ता चली है और कुछ मांग जो कि उचित लगती थी लगी उनके अंदर सहमति भी बनी है। कुछ चीज़ों पे स्पष्ट बता दिया गया है कि संभव ही नहीं है उनको कर पाना। इसको हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि सरकार की कमजोरी ना समझें, किसी के दबाव में आके, हड़ताल के दबाव में आकर के हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जो उचित होगा उसके ऊपर जरूर हमेशा वार्ता के लिए। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी। आशीष, बताएं कि पीएम के दौरे से पहले आखिर सरकार ने मसौदा तैयार करके उनकी मांगे मानने के लिए सीएम से बात की है। जी बिल्कुल रौनक, बताना चाहूंगा कि प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन काफी दिनों से हड़ताल पे हैं, चाहे बात करें रोडवेज कर्मचारियों की, चाहे बात करें ग्राम पंचायत पे जो सचिव होते हैं वो हड़ताल पे हैं, और इनके अलावा JCTSL के जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी मांगों पर विचार करके उनकी मांगों को माना जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इस दबाव के बीच एक ओर जहाँ कर्मचारी ये चाहते हैं कि हमारी सभी मांगे सरकार मान ले, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का ये है कि जो जायज मांगे हैं उनको मानने में किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दबाव के चलते जो कुछ मांगे ऐसी हैं जिन्हें मान पाना संभव नहीं है, ऐसी मांगों को लेकर के गतिरोध लगातार जारी है। कल भी 5 मंत्रियों की कमेटियों ने बातचीतों का दौर जारी था और रात को भी देर रात तक बातचीत हुई है। डीबी गुप्ता और यूनुस खान ने बातचीत की है और एक मसौदा तैयार किया है। अभी संकेत मिले हैं कि रोडवेज कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री की सहमति इसमें मिलना बाकी है। अगर ये सहमति मिलती है तो उनकी हड़ताल संभवतः आज खत्म हो सकती है। इसके अलावा जो गाँव में पूरी जो गाँव की सरकार है वो हड़ताल पर है, पूरे गाँव में कामकाज ठप पड़े हैं और उनकी लंबी हड़ताल चल रही है। तकरीबन 23-24 दिन हो चुके हैं, गाँव में कुछ भी काम नहीं हो रहा है और इसके चलते सरकार भी दबाव में है। और प्रधानमंत्री का दौरा कल होने वाला है, अजमेर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इससे पहले सरकार चाहती है कि प्रदेश में जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनको कैसे न कैसे संतुष्ट किया जाए और इस जो हड़ताल का जो वातावरण है, माहौल है, उसको दूर किया जाए। और अभी शांति धारीवाल का भी बयान आया था कि हमारी सरकार को लेट डूबे थे कर्मचारी और अब इस सरकार को भी कर्मचारी लेट डूबेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पूरे प्रदेश। आशीष, हड़ताल कल पीएम का दौरा राजस्थान के अंदर है, तो आखिर 15 दिन ऊपर हो चुके हड़ताल करते करते रोडवेज के कर्मचारियों को, तो इससे पहले सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, आखिर इतना लंबा समय क्यों खींचा? जी बिल्कुल रौनक, बताना चाहूंगा कि चुनाव का वक्त है और आखिरी समय आने जा रहा है, आचार संहिता लगने वाली है और तो कहीं ना कहीं इनका प्रदर्शन भी उग्र हुआ है। इतने दिन तक इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, चाहे वो सड़क पर भीख मांग करके प्रदर्शन करना हो, चाहे अर्धनग्न प्रदर्शन करना। तो क्या हम ये मानेगा कि आशीष, तो क्या हम ये माने कि भी आचार संहिता लगने वाली है, साथ ही पीएम का दौरा है, इसलिए ही सरकार इस उनकी मांगों को मानने के लिए बाध्य हो रही है? बिल्कुल, सरकार का कहीं ना कहीं इस समस्या को निपटारा करने का मानस है, लेकिन डीबी गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कितना भी दबाव कर्मचारी बनाए, जो गैर वाजिब मांगे हैं उनको कतई नहीं माना जाएगा और जो वाजिब मांगे हैं उनको मानने के लिए टेबल पर बैठ करके समझौता करने के लिए सरकार तैयार है। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारे संवाददाता से हमने बात की, उन्होंने बताया कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों की मांग को लेकर एक मसौदा तैयार कर रही है। रोडवेज की जो मांग है उसको लेकर भी सरकार ने मसौदा तैयार किया है, साथ ही
ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनकी जायज मांगों को माना जाएगा और जो मांग नाजायज होगी, जो मांग जायज नहीं होगी उसे किसी भी तरीके से नहीं माना जाएगा।